घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। महेशपाल हत्याकांड मामले में जहां अतीक अहमद को भी वारंट जारी करके प्रयागराज लाया गया तो कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद का पिज्जा वैन नैनी के सेंट्रल जेल पहुंचा है, जहां सेंट्रल जेल नैनी में अतीक अहमद को रखा जाएगा, जिसमें कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अतीक के बैरिक में CCTV लगाया गया। अतीक अहमद को अलग बैरिक में रखा जाएगा तो अतीक के भाई अशरफ को अलग बैरिक में रखा जाएगा। अतीक का बेटा अली पहले से ही नैनी जेल में है और अतीक अहमद को आप वैन को देख सकते हैं, अंदर नैनी जेल में ले जाया जा रहा है और अतीक को नैनी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कल CGM कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। और सबसे बड़ी बात, अतीक को जिस तरह से वैन में लाया गया, आपको एक वीडियो दिखा सकते हैं हम, जिसमें अतीक अहमद वैन में नीचे लेटा है और पुलिस कर्मी दोनों तरफ बैठे हुए हैं और अतीक कुछ भी बोलने से बचता दिखाई दिया। ऐसे पे ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। रायबरेली सीमा पर पहुंचते ही अशरफ जिस गाड़ी में बैठा था वह गाड़ी अचानक खराब हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का लगाया गया। धक्का लगाते हुए आखिरकार गाड़ी 10 मिनट बाद स्टार्ट हुई और फिर उसे प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं, पब्लिक वाइफ के कैमरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि बरेली जेल से अशरफ को आज प्रयागराज ले जाया जा रहा था। जैसे ही उसकी काफिला रायबरेली सीमा पर पहुंचा, वैसे ही उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसे धक्का देते हुए पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से स्टार्ट किया और फिर वह गाड़ी प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से गाड़ी में पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का लगाया जा रहा है।